अच्छा पहले संविधान है पहले कुरान है? पहले जो है संविधान है फिर कुरान है। क्या बात है? अरे अगर ये कहेंगे मैं कुरान के हिसाब से चल रहा हूँ, शरीयत के हिसाब से, और मैं कह दूं मैं भगवत के हिसाब से चल रहा हूँ, सिख कह दे हम गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब चल रहे हैं, और क्रिश्चियन कह दे हम बाइबल के हिसाब चल रहे हैं, तो भैया देश में फिर संविधान किस काम का? देश चलता है संविधान से। और अगर अभी आप होते ना साउथ कोरिया उत्तर कोरिया में ई चाचू चाची चाचूंग वालों में, तो ये वहीं डाल देते आदमी जहाँ से समझ गया मोई मोई करता है। हमें वो बंदे चाहिए या तो प्योर मुसलमान हो या प्योर हिंदू हो, भारतीय हो हिंदुस्तानी, मगर बीच वाला बड़ा खतरनाक है, क्योंकि साथ बैठ के खाना खाएगा और बाहर जाके सारी उल्टी कर देगा। अरे जो कम से कम जो अपने बाप को बाप बोल रहा है उसके साथ तो बैठू, बराबर वाले ने चॉकलेट दिला दी उसको अब्बू बोलना शुरू कर दिया, ऐसे बंदे का क्या लेना? योगी बाबा को कौन जिताता है? यूपी की जनता से पहले तो अतीक अहमद ने जिताया जो स्वर्गो में है बेचारा 72 यूरो के पास। हम लोग चाहिए स्वर्ग, हमें चाहिए सीता और राम, हमें चाहिए मेरा हनुमान, हमें कोई हूर नहीं चाहिए, हमारे लिए एक ही होती है धर्म पत्नी, उसके अलावा हम सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ मियां खलीफा वाले भी हैं। तो ऐसी जैसे व्यक्ति अगर संसद में बैठेंगे तो कालक पोतने वाले हमारे भाई हैं, उनके लिए तो हम भी तालियां मारेंगे भैया। आप क्या बात है, सही कर रहे भाइयों। और वो तो मैंने सुना उनके हत्थे नहीं चढ़ा क्या? नहीं तो उसके मुंह में डालने वाले थे वो, मोर बना देते जैसे वो, तुम यार मोर के पीछे पड़े रहते हो, मोर बन जाता हूँ जैसे वो जमुनापार में कन्हैया के साथ हुआ था, पटापट पटापट चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हास देवे रिंकू के पापा। कहाँ है वो, पूछो कहाँ है? बेगूसराय। आपने वो गाना सुना कांटा लगा, वहां था चांटा लगा हाय लगा कन्हैया कुमार, ऐसा लगा, ऐसा लगा कि राहुल गांधी ने भी पूछा, कह रहा जमुनापार वाले बड़े खतरनाक आदमी भाई, कह रहा माला भी पहनाते हैं और उसके बाद केजरीवाल ने पता क्या बोला उसको कान में, कह रहा भाई मैं 3 बार झेल चुका हूँ मैं, क्या बात है, और वो भी तीनों जमुना पार गई थे। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो ओवैसी और राहुल गांधी का सपोर्ट करता है, हे प्रभु श्री राम हे महाकाल, उसके घर में राहुल गांधी और ओवैसी जैसे बच्चे पैदा हूँ। इतना बुरा, अब ये मत बोलना कि फिर पागल आदमी है, मैं दुआ दे रहा हूँ, दुआ दे रहा हूँ। और जो जय फिलिस्तीन बोलेगा तो हम एक ही बात बोलेंगे, इजराइल जिंदाबाद, इजराइल जिंदाबाद। तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही है, तुम मियां खलीफा पिक्चर देखकर आ रहे हो क्या? इजराइल जिंदाबाद, इजराइल जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाँ भारत का संविधान, पहले क्या ये बता दो ना भाई साहब। चाचा पहले संविधान है पहले कुरान है? पहले जो है संविधान है फिर कुरान है। क्या बात है? नहीं मैं कम बोलता हूँ, बहुत कम बोलता हूँ मुसलमान के लिए ताली बजाने को, मगर जो शिक्षित पढ़ा लिखा कलाम की सोच वाला होता है, अगर एक बुजुर्ग आदमी कह रहा है कि पहले संविधान है, क्योंकि 3 दिन पहले एक बंदा यहाँ बोल के गया है, वो भी बोल रहे उधर एक खड़ा है कि भैया हमारे लिए पहले कुरान है। अरे कुरान का मतलब है शरीयत, और शरीयत का मतलब है फिर ओवैसी जो है वो शरीयत या कुरान के हिसाब थोड़ी वहाँ पर शपथ ले रहा था। धर्म बाद में, पहले देश की मिट्टी है। अगर आप धर्म पहले लेकर आओगे तो हमको भी गीता और महाभारत के हिसाब चलना पड़ेगा। और ये कन्फ्यूज है, ये सेकुलर हिंदू है भाई साहब, मेरी बात सुनो, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, ये बुजुर्ग हैं, ये सेकुलर हिंदू है, ये कंफ्यूज हैं। एक होता कंफ्यूज, एक होता कंफ्यूज और एक होता कंफ्यूज, जिनका फूज उड़ गया। हम लोग क्या है, एक तरफा है। मैंने क्या बोला, मैं तो खुद कह रहा हूँ मोदी जी को कि ताना साहब बन जाओ, एक बार बन जाओ। अरे अगर ये कहेंगे मैं कुरान के हिसाब से चल रहा हूँ, शरीयत के हिसाब से, और मैं कह दूं मैं भगवत के हिसाब से चल रहा हूँ, सिख कह दे हम गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब चल रहे हैं, और क्रिश्चियन कह दे हम बाइबल के हिसाब चल रहे हैं, तो भैया देश में फिर संविधान किस काम का? अरे भाई साहब छोड़ो, आप कुछ जो बोल रहे हो ना, आप वो बात बोल रहे हो कि आप घर जाते हुए डरोगे, मगर हम वो बोल रहे हैं जो बात सच्चाई है कि देश चलता है संविधान से। आप भी यहाँ, और भैया उधर मत बोलो, आप भी वहाँ खड़े हो ना तो संविधानिक तौर पर खड़े हो, क्योंकि लोकतंत्र है। और अगर अभी आप होते ना साउथ कोरिया उत्तर कोरिया में ई चाचू चाची चाचूंग वालों में, तो ये वहीं डाल देते आदमी जहाँ से समझ गया मोई मोई करता है, क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ राष्ट्रपति के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते भाई साहब। सही है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, गूगल खोल के चेक करो, ताना साहब है वो किंग जोंग। अरे छोड़ो भाई साहब, आप मत बोलो, हमें वो बंदे चाहिए या तो प्योर मुसलमान हो या प्योर हिंदू हो, भारतीय हो हिंदुस्तानी, मगर बीच वाला बड़ा खतरनाक है, क्योंकि साथ बैठ के खाना खाएगा और बाहर जाके सारी उल्टी कर देगा। भैया गलत बोल रहा हूँ? अरे जो कम से कम जो अपने बाप को बाप बोल रहा है उसके साथ तो बैठू, बराबर वाले ने चॉकलेट दिला दी उसको अब्बू बोलना शुरू कर दिया, ऐसे बंदे का क्या लेना? भैया गलत बोल रहा हूँ? सही सही बात। तो ये अगर ओवैसी के आवास के बाहर काले के काले भी है,
ओवैसी तो हिंदुओं को जगाने का ठेका ले रहा है, ऐसी बातें कर रहे हो यार। ओवैसी जैसे तो 29 राज्यों में 29 ओवैसी पैदा होने चाहिए। योगी बाबा को कौन जिताता है? यूपी की जनता से पहले तो अति अहमद ने जिताया जो स्वर्गों में है बेचारा 72 उरों के पास। पहुंच गया योगी, कब का पहुंच गया भाई साहब? आपको तो पता ही नहीं। अरे वो मैं थोड़ी देखने जाता हूँ यार, मैं तो गेट के बाहर खड़ा होकर चेक कर रहा हूँ जब हम लोग जाएंगे तो। आपको कौन सी मिलेगी? हम हिंदू क्या कर रहे होंगे मालूम है? हम लोग तो ऐसे खड़े होकर चेक कर रहे होंगे कि अरे तुम्हें मिल गई? बोले हाँ। बोले हमें नहीं मिलेगी, पता क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं। तुम्हें भी बड़ा शौक है भाई साहब, क्या बात है। हम हिंदू हैं, हम लोग चाहिए स्वर्ग, हमें चाहिए सीता और राम, हमें चाहिए मेरा हनुमान, हमें कोई हूर नहीं चाहिए। हमारे लिए एक ही होती है धर्म पत्नी, उसके अलावा हम सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ मियाँ खलीफा वाले भी हैं। हम बाकी ज़्यादातर लोगों माताएं बहनें आंटी जी अंकल जी बोलते हैं क्या? हम लोग 7 जन्मों का बंधन निभाते हैं, राखी सावंत की तरह नहीं है कि रोज स्वयंवर नचा रहे हैं, है ना केशव भाई? ये भी तो वही है, शादी वाले नहीं, शादी वाले निगाह वाले हो। हाँ पूछ रहा हूँ भाई साहब, बताने में क्या है। और आजकल के मुस्लिम भी समझदार हो गए भैया। देखो सीधी सी बात है, एक करोगे तो एक को भी आप पालोगे, दो करोगे दो को भी आप पालोगे, चार करोगे चार को भी आप पालोगे, मगर योगी और मोदी के ऊपर ठीकड़ा मत फोड़ो। फिर सोनाक्षी कहाँ से आ गई भाई साहब? हमें कहा लेना जरीन खान के लिए? नहीं आपको क्या लेना? हमें कहा लेना? उसकी मर्जी है, हमें कहा लेना? उसकी मर्जी है, जिससे मर्जी करे। हाँ अगर वो लौंडा जबरदस्ती उठा के ले जाता तब हम बोलते, पढ़ी लिखी लड़की है। हाँ ये जरूर है कि घर का नाम रामायण था, क्या रामायण घर का नाम रामायण, और परिवार में सारे सदस्य भी वही थे, मगर अरे वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पूरे थे, मगर बाद में अगर इसी चक्कर में 250 साल देश गुलाम रहा है भाई साहब, मगर बाद में आके एक व्यक्ति रावण जैसा घुस गया, मगर कल जल लेके भाई साहब वो मंत्र भी पढ़ रहा था। भैया कोनो फिरकी ले रहा है, माता रानी उसके आपके सामने हाथ जोड़ा है, रियलिटी तुम वही थे। मैं देखा, मैंने टीवी पे देखा कल सोनाक्षी के साथ जब मंत्र पढ़ रहे थे ना पंडित जी, तो भाई साहब वो भी जल लेके पैर छू रहा है। मगर अगर वो कट्टर होता तो इस्लाम में कहीं नहीं लिखा पैर छूना है, इस्लाम में। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, आप पढ़ लो भले, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। वापसी कर रहे हो भाई साहब? देखो योगी और मोदी है तो हो सकता कर रहे हो, क्योंकि बाबा के पैर ना खाली यूपी में नहीं है, बाबा के पैर हर तरफ है। आपको क्या लग रहा है बाबा का पैर यहाँ नहीं है? बाबा का एक पैर तो यहाँ और एक पैर लखनऊ में, पूछो कैसे? 15 अगस्त को देख लेना, नहीं यकीन आ रहा देख लेना। सही बात। और अब खुश रहो, पूछो क्यों? कैसे? जिनके कपड़े फटने थे फट गए, जो कह रहे थे मोदी जी नहीं आएंगे नीतीश बाबू चले जाएंगे, अरे तुम्हें कहा लेना नीतीश कुमार से बे, तुम्हारे तो सपने में भी नीतीश आ रहा होगा। नीतीश जाने मोदी जाने बीजेपी जाने, हम अपने काम धंधे में उसके बाद यहाँ आते हैं, अपने मन की बात करते हैं उसके बाद चले जाते हैं। तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है कि मोदी आया राहुल गांधी आया? तुम्हारे घर आता कोई? हाँ अच्छा आदमी उसका नाम ले लो। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो ओवैसी और राहुल गांधी का सपोर्ट करता है, हे प्रभु श्री राम हे महाकाल, उसके घर में राहुल गांधी और ओवैसी जैसे बच्चे पैदा हूँ। इतना बुरा? अब ये मत बोलना कि फिर पागल आदमी है, मैं दुआ दे रहा हूँ। दुआ दे रहे हो यार, एक दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बनेंगे भाई। कुत्ते भी कई तरह के होते हैं, एक जर्मन शेफर्ड होता है, एक देसी होता है, एक गली में घूमता है, ये अलग टाइप के हैं। क्या मैं मुंह से नहीं बोलूंगा भाई। अच्छा बताइए, जय फलिस्तीन पर आपको आपत्ति हो जाती है, ओवैसी के आवास पर कालिक पोती जाती है तो आपत्ति नहीं होती? देखो भाई साहब सीधी सी बात है, अगर इस देश में आप जनता के प्रतिनिधित्व हो, जनता द्वारा चुने गए हो, आप घर के बाहर चिल्ला रहे हो, एक आम आदमी चिल्ला रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि वो एक देश का नारे लगा रहा है, संसद के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी और देश के पक्ष में नारे लगाए, कोई भी देश हो, फिलिस्तीन नहीं, हिंदुस्तान के, अगर आप संविधान को मानते हो और किसी और देश के समर्थक में नारे लगाते हो तो आपकी सदस्यता जा सकती है। अब रहा सवाल तानाशाह का, पूछो तानाशाह कौन है? कौन है? स्वर्गीय इंदिरा गांधी है? बिल्कुल सही बात। मोदी जी नहीं है? मोदी जी होते तो आज ओवैसी घर में बैठा होता चारपाई लेके। सही बात है। मोदी जी तो शांत बैठे हैं, अब वहाँ का चेयरमैन जाने और राष्ट्रपति जाने, मगर बोला गलत है। अगर आपके घर में मैं आऊँ, खाना आपका खाऊं, नाश्ता आपका करूं और तारीफ करूं पड़ोसियों की, तो आप तो कहोगे यार बड़ा बेकार आदमी है, और आप तो वैसे ही उत्तर प्रदेश वाले अलीगढ़ वाले, आप तो मानोगे भी नहीं।
सही बात है। नहीं भाई गलत बोल रहा हूँ, राहुल गांधी ने विरोध नहीं किया, राहुल गांधी इसलिए विरोध नहीं, ज्यादा ने विरोध नहीं किया, राहुल गांधी बिचौलिया है, बिचौलिया। आपको पता करण जौहर देखा है आपने? हेलो, वो कंफ्यूज है, राहुल गांधी को कुछ नहीं पता क्या करना है। परसों राहुल गांधी ने मोदी जी से हाथ क्यों मिलाया, जब वो प्रधानमंत्री है तो हाथ मिलाया, ओम बिरला जी को बधाई दी, उसके बाद उन्होंने बोला जाओ अपनी सीट पे बैठो और काम करो। परसों हाथ मिलाया, चेक कर लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो प्रधानमंत्री से तो मिलाया है। आप कोई 50,000 वोटों से जीता हो या लाख वोटों से जीता हो, आप अपना बच्चा देखो, मान लिया हमारे बच्चे का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया लेकिन जीता, मगर फर्स्ट डिवीजन तो आ गया। तुम अपना चेक करो, और जो जय फिलिस्तीन बोलेगा तो हम एक ही बात बोलेंगे, इजराइल जिंदाबाद, इजराइल जिंदाबाद। तुम्हारी आवाज ही निकल रही है, तुम मियां खलीफा पिक्चर देखकर आ रहे हो क्या? इजराइल जिंदाबाद, इजराइल जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रोक लो, रोक लोगे? ओबीसी गाजा पट्टी के, गाजा पट्टी क्यों नहीं जाते फिलिस्तीन के समर्थन में? भाई साहब वहां रहने दो यार, वहां का बम वहां पिछवाड़े फटता है। एक बार बोलो इजराइल, एक बार और बोलो इजराइल, खौफ पैदा होता है भाई साहब। इजराइल क्या है? इजराइल को आप छोटा टुकड़ा मत समझना, इजराइल बहुत बड़ी चीज है। आपको लग रहा है 4 करोड़ की आबादी है, मगर उस देश की जितनी तारीफ की जाए पूरी खत्म, उतनी कम है। पूछो क्यों? क्योंकि वो हर एक घर में उसने एक फौजी रखा है। यहाँ की तरह नहीं कि कुछ लोग बैठ के पूरे दिन पार्क में टाइम खराब कर रहे होते हैं, उनके हर एक घर में एक व्यक्ति को आर्मी की ट्रेनिंग लेनी कंपलसरी है, और जब भी जरूरत पड़ती है तो रिजर्व फोर्स घर से जाती है। यहाँ वाले को पूछो को गाड़ी चलानी आती है, बोले नहीं। यहाँ वाले को कुछ नहीं आता, मगर पूरे दिन कौन चलाना आता है? कौन चलाना आता है पूरे दिन? ट्राई मारते रहते हैं भाई, देश के लिए करो, धर्म के लिए करो, राष्ट्र के लिए करो। राष्ट्रपति भवन जाना है ना, मोदी धर्म देख के नहीं बुलाता। मोदी ने एक साउथ के मुस्लिम को, जो कलाकार था, जो आकृतियां बनाता था, भाई साहब रुक जाओ यार, कैसे करके मानोगे? जो आकृतियां बनाता था मुस्लिम था, मगर वो कांग्रेस का था तो क्या हुआ? कांग्रेस का अगर वो कार्यकर्ता था कोई तो क्या हुआ? उसको सम्मानित कराया बुला के। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कला थी, कला थी। उसने मोदी की तारीफ करी, उसको कांग्रेस वालों ने बाहर निकाल दिया। अरे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करी है भाई, मोदी देश का प्रधानमंत्री पहले या बीजेपी वाला बाद में है? सही बात। इंदिरा गांधी जी को तो हम आदमी जी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी लगा के ये दिखा दिया कि तानाशाह होती कैसी थी। 84 भूल गए हो? और जो ये ओवैसी है ना, ओवैसी बढ़िया आदमी है, ओवैसी जैसे 29 ओवैसी और होने चाहिए, तभी लोगों की आंखें खुलेगी। क्योंकि हिंदू सोता नहीं है, हिंदू सोने का ड्रामा करता है। क्या ड्रामा? आपने सुना जो बोले वो गुंडी खोले, सुने? ये क्या करते हैं मालूम है? भारत माता की जय, लड्डू 4 कचौड़ी 6। क्या बात है, क्या बात। तो ओवैसी जैसे व्यक्ति अगर संसद में बैठेंगे तो कालक पोतने वाले हमारे भाई हैं, उनके लिए तो हम भी तालियां मारेंगे भैया। आप क्या बात है, सही कर रहे भाइयों। और वो तो मैंने सुना उनके हत्थे नहीं चढ़ा क्या? नहीं तो उसके मुंह में डालने वाले थे वो, मोर बना देते जैसे वो। तुम यार मोर के पीछे क्यों पड़े रहते हो? मोर बन जाता मैं। जैसे वो जमुना पार में कन्हैया के साथ हुआ था, पटापट पटापट, याद है? 80 की स्पीड में और पड़ा भी किसके टक्कर में? चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हास देवे। रिंकू के पापा कहाँ है वो, पूछो कहाँ है? बेगूसराय, बेगूसराय। फिर चला गया, चला गया वापिस। हाँ आपने वो गाना सुना, कांटा लगा, वहां था चांटा लगा, हाय लगा, कन्हैया कुमार ऐसा लगा, ऐसा लगा कि राहुल गांधी ने भी पूछा, कह रहा जमुना पार वाले बड़े खतरनाक आदमी भाई, कह रहा माला भी पहनाते हैं। और उसके बाद केजरीवाल ने पता क्या बोला उसको कान में? कह रहा भाई मैं 3 बार झेल चुका हूँ मैं, क्या बात है। और वो भी तीनों जमुना पार गई थे। तो इसीलिए मस्त रहो, अपना काम धंधे पे ध्यान दो। ये बाबा का मंदिर है, उधर बाबा का मंदिर आगे गुरुद्वारा है, आशीर्वाद लो। और उधर से वो मुल्ला जी जो बोल के गए वो बढ़िया बोल के गए, बहुत बड़ी बात है, उसे जरूर डालना आपका एडिटर अच्छा आदमी है तो। नहीं तो आपके एडिटर के साथ भी जो है ना, समझ लो उसको भी फिर समझ लो के मोए 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 नहीं, उसको राखी सावंत के जैसी लुगाई मिलेगी। रोज वाइफ तो मिलेगी मगर झेल नहीं पाएगा ना बेचारा। अच्छा मुसलमान था, अच्छे को अच्छा हमेशा बोलो, वो मेरा राम कहता है। और जो 18 बोल रहा है, जो 20 बच्चे बोल रहा है, जो 18 बच्चे बोल रहा है, जो 20 बच्चे बोल रहा है, उसको बोलो कि खिलाएगा क्या, पिलाएगा क्या,
और ओवैसी हमको जगाने का ठेका लिया बैठा है। ओवैसी की बातों को गौर से सुनो, उसमें से सीखो, फिर टाइगर राजा सिंह की बातों में अमल करो, फिर मोदी को वोट डालो और घर जाके सो जाओ, देश आगे बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।